असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि झारखंड का विधानसभा चुनाव राज्य में सनातन बचाने के लिए है। उन्होंने देवघर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक बार फिर जेएमएम को जिम्मेदार ठहराया है। 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे। हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। देवघर में चुनावी सभा में दिया गया झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा का ये बयान सुर्खियों में है। हिमंत ने ये भी कहा कि इस बार का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि झारखंड में सनातन को बचाने के लिए है। हिमंत ने ये भी कहा कि तासा जनगणना में हिंदू आबादी घटकर 60% तक आ सकती है। शर्मा ने दावा किया कि क्षेत्र में मूल मुस्लिम आबादी में वृद्धि नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद के रास्ते झारखंड आ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से ये आबादी बढ़ी है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं जब असम से आया तब मैं इतना नहीं समझता था, लेकिन आज 3 महीना में यही समझा कि असम से भी ज्यादा झारखंड असुरक्षित। अगर जामतारा में घुसपैठिया है, संथाल में घुसपैठिया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर निकालेगा कि आप बाहर निकालेगा? लेकिन वो भी आपका कोई जिम्मेदारी आप नहीं लेते हैं। तो ये जो चुनाव है हमारा समाज का अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव अगर नहीं होगा, हम नहीं जीतते हैं, जेएमएम दोबारा जीतते हैं, जामतारा जैसा हालत पूरा झारखंड का हो जाएगा।